हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट इजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डाटा कन्वर्टर पढ़ेंगे, ए टू डी, डी टू ए। तो देखिए, हम लोगों के पास तो ज़्यादा टाइम है नहीं कि हम इसको आप पूरा डिटेल में एनालिसिस करें, और इसमें हमको पीएचडी भी नहीं करना है, हायर स्टडी भी नहीं करना है डाटा कन्वर्टर से, कि हम इसको बहुत डिटेल एनालिसिस करके इसका डेप्थ में जाएँ। तो जो हमारे व्यूअर हैं उनका इतना मैं भरोसा दिला दूंगा कि अगर वो मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ये इतना बोल सकते हैं कि रैंक कैसे लाना है मुझे, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं सारे वीडियो में ना मैं स्टार्ट ही क्वेश्चन से करता हूँ। सो अगर आप क्वेश्चन बनाने से आपका स्किल डेवलप होगा, और अगर वो स्किल डेवलप हो गया तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सो अगर ये डेवलप हो गया और गेट में रैंक आ गया तो मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा इंटरव्यू का, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि क्वेश्चन दो, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, डेट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे दिया हूँ, इतना ही वर्ड में मैं पूरा ए टू डी, डी टू ए पढ़ा दूंगा, कंक्लूजन, जिससे कि आप क्वेश्चन बना सके। तुरंत क्वेश्चन दो, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, डेट्स ऑल, यही मुझे अभी आता है, क्योंकि गेट के 2 महीना तक मुझे यही करना है, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन बनाऊंगा, बस। चलिए, तो हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, कुछ कुछ पॉइंट है जो हम लोगों को याद रखना है। जैसे रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन इज इक्वल टू स्टेप साइज, ये मैं बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए ये स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बीटा, अगर एनालॉग भी पढ़ाया तो वहाँ भी मैं बीटा को लार्ज ले लेता हूँ, अगर 100 से ज़्यादा रहा, 100 रहता है तो भी मैं लार्ज लेके आंसर निकाल देता हूँ, और वो आंसर गेट के गिवन रेंज में आ जाता है। सो गेट वाले भी ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं कि आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी मैं अप्रोक्सीमेशन करके सारा डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो रिजोल्यूशन इज इक्वल टू स्टेप साइज फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग, ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा वी मैक्स माइनस वी मीन बाई 2 to the power n, n इज द नंबर ऑफ बीट, राइट। अब देखिए, यहाँ पे n माइनस वन भी होता है, वो सब अभी आप कुछ ध्यान नहीं लीजिए, सिर्फ यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया है उसको देखिए और आंसर मैच कीजिए, दैट्स ऑल अभी के लिए। तो 2 to the power वी मैक्स माइनस वी मीन बाई 2 to the power n, इसी को बोलते हैं स्टेप साइज, इसी को रिजोल्यूशन, एंड इसी को बोलते हैं एल एस वी वोल्टेज, इसी को बोलते हैं, एंड एल एस वी वोल्टेज मीन्स 0 0 0 0 1, ऐसा दिया रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे रिजोल्यूशन या फिर स्टेप साइज, उस पर क्या आउटपुट आ रहा है। अब देखिए, दूसरा चीज है फुल स्केल वैल्यू इज इक्वल टू 2 to the power n-1 इंटू स्टेप साइज, स्टेप साइज इज इक्वल टू रिजोल्यूशन। सो बेसिकली हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखिए, हम लोग का एनालॉग इनपुट जो है ना, क्योंकि एनालॉग तो बहुत पुराना है, आउटडेटेड हो चुका है, हम लोग सारे कुछ डिजिटली करते हैं, लेकिन जो नेचुरली अकर सिग्नल है, जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, वो एनालॉग सिग्नल है। तो एनालॉग सिग्नल को ए टू डी डी, एनालॉग टू डिजिटल में, डिजिटल में कन्वर्ट किए, फिर वो सिस्टम गया, फिर यहाँ से डीएसी में आया। तो देखिए, यहाँ पे हमारा एडीसी यूज हुआ, यहाँ पे हमारा डीएसी यूज हुआ। तो एडीसी में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, काउंटर टाइप एडीसी, करेक्ट, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी, फ्लैश टाइप एडीसी, ड्यूअल स्लोप एडीसी, एंड सिग्मा डेल्टा एडीसी, बस इतना ही हम लोगों का सिलेबस में। एंड डीएसी में क्या पढ़ना है, डाटा टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में हम लोगों को बाइनरी वेटेड रेसिस्टर एंड आर टू टू आर लैडर, ठीक है, बाकी यही दो चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। ये पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत सारा ये कंक्लूजन देखा हूँ, और बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है उसको मैं लिखा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ आप कोई भी बुक, मॉरिस मानो डिजिटल का पढ़िए या कोई भी बुक पढ़िए, ये सब कंक्लूजन आप लोगों को नहीं मिलेगा एक बुक में। आप जब तक हजारों बुक, बहुत सारे बुक पढ़ के नहीं आइएगा, तब तक ये कंक्लूजन आप किसी को बता नहीं पाइएगा। चलिए, तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग पहले देखेंगे एडीसी, फिर डीएसी। देखिए, छोटा हम लोगों का क्या है, बाइनरी टू वेटेड रेजिस्टर, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर इधर स्विच करूँगा। देखिए, डीएसी में हम लोगों का कुछ भी पूछे, डीएसी मीन्स एनालॉग आउटपुट पूछेगा, मीन्स डिजिटल इनपुट आप लोगों को दिया रहेगा, तो डिजिटल इनपुट दिया रहेगा, तो ये एक दो दो तरह का होता है, एक बाइनरी वेटेड रेजिस्टर टाइप का, और दूसरा होता है आर टू टू आर लेदर टाइप का,
राइट। अब देखिए यहाँ का जो आर है ये स्टैंडर्ड है, ये सर्किट आपके माइंड में, ये फिगर आपको माइंड में छप जाना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। और क्वेश्चन स्टैंडर्ड से क्या डिफरेंस किया है वो हम लोग देखते हैं, स्टैंडर्ड को माइंड में रखते हुए ये इससे क्या डिफरेंस है वो फिर करके कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड को माइंड में रखिए। अब देखिए इसका बेस्ट क्या क्वेश्चन, पहले ये चीज़ जान लीजिए, आर इजकल टू आर एफ, यहाँ पे एक आर रेसिस्टर यूज हुआ, मैं थ्री बीट का ले रहा हूँ, थ्री बीट का आप समझ जाएंगे तो एन बीट का भी समझ जाएंगे। तो बेसिकली थ्री बीट ये एमएसबी है, करेक्ट, जहाँ पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई होता है, ये वोल्टेज सोर्स है यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हम एमएसबी स्टार्ट करेंगे। आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ये एमएसबी है या कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया रहे, तो देखिएगा जहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सिर्फ छोटा छोटा पॉइंट ना आप लोगों को गलत आंसर कर सकता है। तो एमएसबी देखिए यहाँ पे एमएस, ये सप्लाई इधर है तो इधर से काउंट करेंगे, करेक्ट, जहाँ पे सप्लाई होगा ना उधर से हम लोगों का एमएसबी स्टार्ट होगा, तो ये हम लोगों का एमएसबी होगा। यहाँ पे भी यहाँ से अगर सप्लाई दे रहे हैं तो ये एमएसबी हो गया। तो देखिए क्या होगा, ये 0101 ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, करेक्ट, और ये आर टू आर फोर आर, ये यहाँ पे हम लोगों का आर होता है एमएसबी में और एलएसबी में होता है 2^n-1 R। तो ये आउटडेटेड क्यों हो गया, ये हम लोगों को आर से लेकर बहुत सारा रेसिस्टेंस हम लोगों को यूज करना पड़ता है, एक हम लोगों को डीएसी बनाने में, एक आर, आर मीन्स 3 ओम ले लीजिए, तो उसके बाद 3 × 2 = 6 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, 3 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, फिर 2^n-1 × R आपका, अगर मान लीजिए n 10 है तो हम लोग वो सोचिए कितना सारा रेसिस्टेंस चाहिए। सो इसलिए ये आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, आउटपुट पूछा जाएगा आपका, आउटपुट क्या है, तो इसका आउटपुट का एक ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये ब्रह्मास्त्र यूज कीजिएगा, कभी भी डिजिटल डीएसी का आउटपुट पूछेगा तो नंबर ऑफ स्टेप इंटू स्टेप साइज, दैट्स ऑल, इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप, स्टेप नंबर ऑफ स्टेप मतलब कि आप लोगों का ये होगा, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ 0101, करेक्ट, तो इसको डेसिमल में बदल लीजिए, क्या होगा 0101, इसका डेसिमल क्या हो जाएगा 2^4 5 हो गया, तो ये आपका नंबर ऑफ स्टेप हो गया इंटू स्टेप साइज, स्टेप साइज में क्या बोला, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मीन्स वीमैक्स बाई, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 1 / Vmax, रेफरेंस वोल्टेज दिया रहेगा, तो मान लीजिए Vr/2^4 कितना बीट का है, 1, 2, 1, 2, 3, 4 बीट का है, तो 4^4 लाइक दैट, इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया, चलिए नंबर ऑफ स्टेप इंटू स्टेप साइज, करेक्ट, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। और अगर यहाँ से आउटपुट पूछा गया, अगर ये सर्किट ओपन जैसा सर्किट दिया रहा है और आउटपुट पूछा रहा है, तो पहला हम लोग यूज करेंगे DAC Vout इजकल टू ए गेन, जो भी सिस्टम का गेन नहीं हो दिया रहेगा तो 1 ले लेंगे, गेन इंटू A3 का वोल्टेज क्या है A3/2, करेक्ट, प्लस A2/2^2 2, 4 प्लस A1/2^3 प्लस A0/2^4, ये हम लोगों का DAC आउटपुट हो गया। दो ही फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है कि ये एंड DAC आउटपुट इजकल टू नंबर ऑफ स्टेप इंटू स्टेप साइज, ये तो ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए अब मान लीजिए 0101 दिया हुआ है तो A3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर A2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 दे दीजिए 1, फिर A1 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर A0 1 हो गया, मीन्स यहाँ 1 दे दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए, गेन नहीं दिया हुआ है तो गेन हम लोग 1 ले लेंगे। चलिए अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलरली हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, R2 to R ladder में भी यही फॉर्मूला यूज करना है, सेम, करेक्ट, एंड DAC इजकल टू नंबर ऑफ स्टेप इंटू स्टेप साइज। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 2R है लास्ट का, दो 2R, ये देखिए 2R, R, 2R, 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 तो इसका R इक्विवेलेंट जो हो जाता है ना वो R ही रहता है, तो हम लोगों को एक ही रेसिस्टेंस यूज करना पड़ता है
और मेरा सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए, ये छोटा छोटा चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। ये सब आर इजकल टू टू आर एफ होता है, ये आर है ना, आर इजकल टू टू टाइम्स आर एफ, तो आर एफ इजकल टू आर बाई टू, करेक्ट। यहाँ पे थ्री आर होता है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एम एस बी वोल्टेज है, इधर से वोल्टेज दे रहे हैं, इसका मतलब ये एम एस बी होगा, ए टू ए वन ए जीरो, लाइक डैट। तो इसका भी फॉर्मूला यही हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए, अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग का क्वेश्चन ये आ गया, पहला क्वेश्चन वेटेड रेजिस्टर टाइप का, वेटेड रेजिस्टर, जो कि मैं पिछले बार भी बता चुका था। इस बार 2019 इंस्ट्रूमेंटेशन वन मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया था, वेटेड रेजिस्टर टाइप डीएसी में, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में एमएसबी रेजिस्टेंस क्या होगा, एमएसबी रेजिस्टेंस क्या होगा फॉर 4 बिट के लिए। एमएसबी रेजिस्टेंस मीन्स क्या होगा, ऊपर से एमएसबी था तो एलएसबी रेजिस्टेंस पूछा था, एमएसबी तो आर ही हो जाएगा ना, एलएसबी रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग क्या ऊपर से आए थे, तो वहाँ पर क्या था, ए थ्री ए टू ए वन ए जीरो, तो यहाँ पर जो लास्ट रेजिस्टेंस हम लोग का क्या था, 2 to the power n-1 into R, इसीलिए मैं बोला था ना ये आउटडेटेड हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो 4 बिट के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4-1 3 मीन्स 8R, R का वैल्यू दे रखा था, करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, सिर्फ देख के ही आ गया। दूसरा क्वेश्चन, ये 2019 का रिसेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को कराया। अब देखिए क्वेश्चन वन, प्रॉब्लम वन दिया हुआ है, इन फाइंड डीएससी आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ था, मैं कुछ डाटा कलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे ये है देखिए, जिसमें रेफरेंस वोल्टेज दिया हुआ है, रेफरेंस वोल्टेज 30 वोल्ट एंड इनपुट डिजिटल इनपुट इज इक्वल टू 1 0 1 1 0 1 1 1 0, ये डिजिटली दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का पहला फॉर्मूला क्या था, अगर ओपेम का कैसा आएगा तो हम लोग देखेंगे कैसा, ओपेम के लिए आएगा तो हम लोग वी आउट इज इक्वल टू a3/2 to the power 1 प्लस a2/2 to the power 2 प्लस a0/a1/2 to the power 3 प्लस a0, लाइक डेट जाएंगे ओपेम। लेकिन ओपेम कुछ आ नहीं रहा है तो हम लोग एक ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, DAC आउटपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए स्टेप इनटू ए स्टेप साइज, नंबर ऑफ ए स्टेप, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, करेक्ट। इसका डेसिमल 101 मीन्स 2 to the power 9 प्लस 2 to the power 7 प्लस डॉट डॉट, ऐसा करके आएगा डेसिमल में। ये हो गया आपका नंबर ऑफ ए स्टेप इनटू ए स्टेप साइज, क्या होता है स्टेप साइज, रिजोल्यूशन इज इनटू वी मैक्स मीन्स 30/2 to the power कितना पावर है, देखिए कितना बीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बीट का है, 2 9। ये आंसर है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग एक बार खुद से कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 21.50 वोल्ट, करेक्ट। सो आप लोगों को ध्यान रखना है, इस पोर्शन में इधर का एक पोर्शन है, इस पोर्शन में जब भी क्वेश्चन पूछे डीएसी तो आपको ये तो देगा ही 1001 लाइक डेट देगा ही, क्योंकि इनपुट में तो वही दे रहा है 1010। तो हम लोगों को यूज करना है नंबर ऑफ स्टेप इनटू, आप लोग बोलिए स्टेप साइज, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब देखिए एक R2R2 लेडर पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है रेफरेंस वोल्टेज दिया हुआ है आपका 30 वोल्ट, अब भी इन दिया हुआ है 10101, करेक्ट। तो आप ऐसे भी निकालिए, अगर R2R लेडर है प्रॉब्लम टू, करेक्ट। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, डीएसी आउटपुट क्या होगा, नंबर ऑफ ए स्टेप इनटू ए स्टेप साइज, या
अगर ओपन से जाना है ओपन, ये तो नंबर ऑफ स्टेप आप लोगों को पता चल जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप क्या है वह 16 एक 2 to the power 4 प्लस 2 to the power 3 2 to the power 4 2 प्लस 1 मीन्स 21। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या आ रहा है। 1 0 1 0 1 0 1 0 क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए यही है 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 क्या है, 10 है मेरा। तो नंबर ऑफ स्टेप क्या होगा, 10 इंटू स्टेप साइज, स्टेप साइज क्या 30 by 2 to the power 4, ये आंसर हो गया। अगर ओपन से जा रहे हैं, ओपन से जा रहे हैं तो जाइए उससे भी सॉल्व कीजिए। वी आउट इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, a3 a2 a1 a0, करेक्ट। तो वी आउट इज इक्वल टू गेन, गेन 1 इंटू इंटू रेफरेंस वोल्टेज 30 है, 30 इंटू 1 बाई इंटू a0 a3 बाई 2 to the power, a3 1 है तो 1 देंगे यहाँ, 1 into 2 to the power 1, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्लस ये 0 हो गया, 2 to the power 1 2 3 4 ऐसा लिख लीजिए, करेक्ट। तो ये 0, फिर 1 by 2 to the power 3 प्लस 1 by 2 to the power 4, ये 0 हो जाएगा। 4 तो 0 है ना, 4 0 है, 2 0, 1 और 3 आ गया, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आ जाएगा आप लोग देखिए, 30 into 1 by 2 प्लस 1 by 8, ये कितना हो जाएगा, 8। एंड 4 plus 1 इज इक्वल टू 5 by 8 into 30। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका 4 है ना, इसको 3 कर दिए, इंटू 2 की कर दिए, तो देखिए ये 5, तो क्या हो गया, 5 into 30 by 8 हो गया। इसका मतलब हम ओपन से ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, जा रहे वही आंसर आ रहा है, एट सेम टाइम हम लोग नंबर ऑफ स्टेप इंटू स्टेप साइज से सॉल्व कर रहे हैं, तो सेम आंसर आ रहा है। सो हम लोगों का ब्रह्मास्त्र क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टेप इंटू स्टेप साइज, करेक्ट। चलिए ये हो गया, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। R2 2R में हम लोग को ओपन दिया हुआ है, ओपन का एक सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार। ये 7 के हैं, 1 के, राइट, एंड ये R22, ये आपका ग्राउंड दिया हुआ है, फिर यहां से ये आपका 2R है, वन वन जीरो वन जीरो वन जीरो लाइक डेट, आप देखिए ऐसा दिया हुआ है, 1 2R 2R, फिर यहाँ से R है, फिर यहाँ से 2R है, फिर यहाँ से R है, फिर यहाँ से 2R है, करेक्ट, लाइक डेट दिया हुआ है ये हम लोगों का, फिर R2R है, ये हम लोगों का दिया हुआ है क्या, 1 0 1 लाइक, अब वोल्टेज इधर से सप्लाई दे रहा है, ये हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए जो भी है यहाँ पे हम लोगों का भी
ये क्वेश्चन दिया हुआ है करेक्ट। तो हम लोगों का क्या, ये एक एक्स्ट्रा है ना, 7K 1K। हम लोगों का क्या था यहाँ पे, 3K था, देख लीजिए अभी भी 3K, और यहाँ पे R था, करेक्ट 3K R, लाइक डेट था। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करते थे, लेकिन हम लोग क्या बताए थे, इसका गेन आएगा, एक एक्स्ट्रा गेन आएगा ना, तो गेन आएगा तो वो कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ तक हम लोग पहले वोल्टेज निकाल लेंगे। वोल्टेज ये भी क्या होगा, वी डैश, वी डैश आपका हो जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से वोल्टेज दे रहा है, वोल्टेज अप्लाई कर रहा है 5 वोल्ट, करेक्ट। तो अगर यहाँ से वोल्टेज अप्लाई कर रहा है तो रेफरेंस वोल्टेज 5 ले लीजिए, 5 इंटू, देखिए 101, ये मेरा 101, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3, राइट। अब देखिए तो हम लोगों का ये तो 0 हो जाएगा ना, ये A3 हो जाएगा, A2 A1 A0, करेक्ट, A0 A1 A2, राइट। अब देखिए A2 का लिखिए, A2 मीन्स 1 / 2^1 प्लस, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 1/2^3, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, देखिए 8 and 2 मीन्स 8 and 4 + 1 = 5 मीन्स 25/8, करेक्ट। ये भी डैश आ गया, तो हम लोगों का भी आउट पूछा गया है, करेक्ट। आप जस्ट ये देखिएगा 101 दिया हुआ है, तो बस ये यूज कर दीजिएगा रेफरेंस वोल्टेज के साथ, क्योंकि यहाँ रेफरेंस वोल्टेज है, तो ये हमारा MSB है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। अब देखिए 25/8 आ गया, तो वी आउट हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये वी आउट, ये देखिए हटाइए, वी आउट हम लोगों का आ जाएगा, ऑप एम्प का गेन लेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक, ये निगेटिव फीडबैक है, निगेटिव के साथ कनेक्टेड है, एंड आइडियल ओपन है, तो क्या हो जाएगा, इन वी आउट इज इक्वल टू 1 + R2/R1 मीन्स 7K/1K मीन्स 7 × इनपुट, हम लोग का क्या आया था 25/8, करेक्ट। इसको सॉल्व कीजिए, यही आपका आंसर, तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। एक बार फोटो सबका खींच लीजिए और आप लोग ट्राई कीजिए, और प्रीवियस ईयर जरूर ट्राई कीजिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हम कितना सीख रहे हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मैं प्रीवियस ईयर ईसी का सारे क्वेश्चन A2D D2A का मैं सॉल्व करूँगा, सो आप लोगों को और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोगों का काउंटर टाइप का टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड Tmax 2^(n-1)×TCL के, ये याद रखना है, करेक्ट। अब इसमें क्या होता है, वी आउट पूछा जाता है, जैसे हम लोग इधर में क्या निकाल रहे थे, वी आउट इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप इनटू स्टेप साइज, इसी तरह यहाँ पे निकालेंगे वी आउट इक्वल टू सीलिंग वैल्यू वी इन डिवाइड बाई DAC इनपुट स्टेप साइज, यहाँ भी स्टेप ही साइज आएगा, वी इन बाई स्टेप साइज। सीलिंग वैल्यू क्या होता है ना, सेल सीलिंग वैल्यू CEIL सीलिंग वैल्यू 4.5 होगा ना, तो सीलिंग मतलब इसको हम 5 लिख सकते हैं, करेक्ट, वही लिखा हुआ है, 3.5 है तो 4 लिख सकते हैं, अब 4.5 है तो मीन्स इंटीजर में ला देंगे अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या यूज कर रहे हैं, काउंटर टाइप ADC यूज कर रहे हैं, या फिर सक्सेसिव यूज कर रहे हैं, या फिर फ्लैश टाइप यूज कर रहे हैं, या फिर डुअल स्लो, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वीइन आपका दिया हुआ है कितना, वीइन इक्वल टू 7.8, बहुत सारा यूनिपोलर ADC ऐसा करके बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं पॉइंट लिखा हूँ उसका, एंड ये आपका स्टेप साइज दिया हुआ है 0.25, राइट। तो हम लोगों का वी आउट पूछा हुआ है व्हेन ये काउंटर टाइप यूज कर रहा है, तो काउंटर टाइप का क्या हो जाता है, वी आउट इक्वल टू CEI सेलिंग वैल्यू इनटू 7.8 डिवाइड बाय 0.25, ये आप लोगों का अप्रॉक्स 32 आ जाएगा, इसको बाइनरी में चेंज कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को बाइनरी में आउटपुट चाहिए ना, बाइनरी में,
बाइनरी में तो 10 10 10 लाइक डेट हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा, 2 to the power 8 हो जाएगा, 2 to the power 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 31 ये सेल्फ सॉल्व करके देख लीजिए कितना आता है। तो ये हम लोग का सॉल्व हो गया करेक्ट। तो सीलिंग वैल्यू याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सबको ये भूल जाता है। अब देखिए सेम क्वेश्चन आएगा, सक्सेसिव एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा है, तो उसका देखिए ये अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड है, टी इज इक्वल टू एन टी सी एल के। फर्स्ट में क्या होता है 2 to the power n-1 टी सी एल के, ठीक है ऐसे याद रखिए। और लास्ट में आपका इतना कंपैरेटर भी यूज होता है आपका इसमें फ्लैश टाइप एडीसी में, तो उसी तरह याद कीजिए। सो जो मैं लिखा हूँ बोर्ड पे वो मिनिमम आप लोगों को याद होना चाहिए। तो वी आउट सक्सेसिव का आप लोग बोलिए, वी आउट क्या होता है आप लोग काउंटर टाइप का, वी इन सेलिंग वैल्यू और वी इन डिवाइड बाई रिजोल्यूशन, राइट। अब देखिए ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वो काउंटर टाइप का, सॉरी वो काउंटर टाइप का क्या होता है, काउंटर टाइप का क्या होता है एक बार बोलिए, वी आउट इज इक्वल टू सी सेलिंग वैल्यू इन टू वी इन बाई रिजोल्यूशन। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप ये यूज कीजिएगा, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। उसी तरह सेम क्या होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में फ्लोर आ जाता है, फ्लोर फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोर मतलब क्या होगा एफ एल ओ आर फ्लोर, 4.5 में ना हम लोग 5 लिखेंगे, नहीं ये सीलिंग वैल्यू हो गया, फ्लोर में हम लोग फ्लोर ऐसे याद रखिए, फ्लोर से छोड़ दिए कोई फ्लोर पे है ना तो उसको धक्का दे दिए, मीन्स 0.5 हट जाएगा, 4 लिखेंगे राइट। तो देखिए फ्लोर इंटू वी इन बाई स्टेप साइज, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा वी इन बाई स्टेप साइज, क्योंकि अगर आप प्रोसेस से भी सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा ही कीजिएगा, कहीं से रिजोल्यूशन निकाले कहीं से कुछ निकाले ये निकाले ये किले फिर डिवाइड ही करेंगे, तो उससे अच्छा है बेटर है कि आप लोग वी इन बाई स्टेप साइज याद रखिए। फ्लोर 6.2 को क्या लिख सकते हैं, फ्लोर मीन्स छोड़ दे रहे हैं, सेलिंग मतलब ले रहे हैं करेक्ट। अब देखिए इस पे क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए फ्लैश टाइप, फ्लैश टाइप क्या होता है ना, फ्लैश एफ एफ इंडिकेट मीन्स फास्टेस्ट टाइप होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, इसका कोई टाइम नहीं।